जो आज का कार्यक्रम था कृषि यांत्रिकरण के ऊपर यहाँ चर्चा हुआ और ये फिफ्थ आईमा का कंग्रीगेशन है और हर बार ये कृषि यांत्रिकरण और जैसे कृषि का यांत्रिकरण से फ़ायदा किसानों को कैसे दिया जा सकता है उसके ऊपर चर्चा किया जाता है और इस साल भी इसी तरह का चर्चा किया गया और ख़ास करके जो इटली से एक ग्रुप ऑफ जो कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उनका प्रेजेंटेशन रहा और उनके जो अवेलेबिलिटी है उनके पास जो उपलब्धियां है यांत्रिकरण के लिए उसके बारे में सबको बताया गया और हमारे देश में जो छोटे किसान हैं क्योंकि हमारा फार्म का साइज़ छोटा है और उसके लिए यांत्रिकरण का व्यवस्था क्या किया जा सकता है उसके बारे में जो शोध की आवश्यकता है अडाप्टेशन की करने की आवश्यकता है और जो इम्प्लीमेंट्स अवेलेबल है बड़े फार्म के लिए उसके उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाना चाहिए उसके बारे में भी चर्चा हुआ और इसके अलावा छोटे किसान बड़े बड़े जो इम्प्लीमेंट्स है उसको खरीद नहीं पाते हैं और बड़े मशीन के लिए जो व्यवस्था है हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने का उसको और कैसे मजबूत किया जाए और क्या तरीका हो सकता है और यूथ को खास करके जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो अनएम्प्लॉयड यूथ को एंगेज करते हुए उसको काम देते हुए और उसको फ़ायदा दिलाते हुए किस एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन को कैसे बढ़ावा दे सकता है उसके बारे में भी चर्चा हुआ और मेकानाइजेशन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए उस दिशा में हमें जो कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा और विभिन्न संस्थान के द्वारा उसके बारे में भी संक्षिप्त में चर्चा हुआ और उस दिशा में और कदम उठाने की आवश्यकता है और जो शोध में आवश्यकता है प्रोसेसिंग फूड प्रोसेसिंग मेकानाइजेशन के लिए और रिसर्च के लिए जो मेकानाइजेशन की आवश्यकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा हुआ है बट बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता और है। अल्टीमेटली मैं ये बोलूँगा अंत में कि ये देश का किसान यांत्रिकीकरण चाहता है क्योंकि खर्चा बढ़ रहा है लागत बढ़ रहा है और पीक पीरियड में उसको लेबर मिलते नहीं हैं और यांत्रिकीकरण से जल्दी सही समय पर काम हो जाता है तो उत्पादन बढ़ता है उसको फ़ायदा होता है और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग अगर हो सकता है तो उसको भी ज़्यादा फायदा मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री का जो आह्वान है किसान का आमदनी दुगुनी करनी है उसके लिए यांत्रिकीकरण की आवश्यकता है, ऑन फार्म मेकानाइजेशन ऑफ फार्म मेकानाइजेशन दोनों की आवश्यकता है और उस दिशा में सरकार जो कदम उठाए हैं वो सराहनीय है और जो हमें जो कंपनी है उनके साथ मिलकर इकट्ठी मिलकर काम करने की आवश्यकता है और उस दिशा में ये कदम वो फिक्की जो उठाए हैं सबको इकट्ठी किए हैं सराहनीय है और आशा करते हैं कि इकट्ठी मिलकर और काम करेंगे ताकि यांत्रिकरण ज़्यादा हो और किसान का आमदनी दुगुनी हो।